हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 12th की सेकंड यूनिट का 7th चैप्टर जो कि वास्कोसर्जन है और जिसे कि इंग्लिश में ट्रांसपिरेशन कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। वास्कोसर्जन, जैसे कि आपको पता ही वास्कोसर्जन होता क्या है, तो वास्कोसर्जन वो होता है जो पौधों में अतिरिक्त जल होता है उसका वाष्प के रूप में पौधों से बाहर निकलना वास्कोसर्जन कहलाता है। और ये जो वास्कोसर्जन की क्रिया है पौधों के किन भागों में संपन्न होते हैं, हम जानते हैं पौधे के दो मुख्य भाग होते हैं, सॉरी चार तीन मुख्य भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती। जो जड़ होता है वो पौधों का वायवीय भाग नहीं होता, वायवीय भाग नहीं होता तो वो कैसा भाग होता है, वो भूमिगत भाग होता है, क्योंकि वो भूमि के अंदर की ओर होता है। और लेकिन जो तना और पत्ती होता है वो पौधों के कैसे होते हैं, वायवीय भाग होते हैं, और वो क्या काम करते हैं, वास्कोसर्जन की क्रिया को करते हैं। तो वास्कोसर्जन की परिभाषा क्या हो जाएगी, पौधों के वायवीय भागों द्वारा, वायवीय भाग से पत्ती, जो वास्कोसर्जन की क्रिया होती है मुख्यतः पत्ती द्वारा पौधों में संपन्न होती है। तो पौधों के वायवीय भागों द्वारा जल का जल वाष्प के रूप में हानि होना वास्कोसर्जन कहलाता है। आपने देखा होगा जो पौधों में जल का जल वाष्प के रूप में सुबह सुबह जब पत्ती पर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है वो किस कारण दिखाई होती है, जल वाष्प के रूप में हानि होती है पौधों में, तो वो वास्कोसर्जन की क्रिया के कारण ही पौधों में दिखाई देती हैं। वास्कोसर्जन की डेफिनेशन हो जाएगी, पौधों के वायवीय भागों द्वारा जल का जल वाष्प के रूप में हानि होना वास्कोसर्जन कहलाता है। ठीक है, अब जो ये वास्कोसर्जन की क्रिया है पौधों के किन भागों द्वारा संपन्न होगी, हमें अब इतना तो पता चल गया कि पत्ती द्वारा होती है, लेकिन पत्ती के कौन से भाग द्वारा, तो पत्ती के रंध्र भाग द्वारा, रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा, उनके द्वारा यह क्रिया होती है। जो वास्कोसर्जन होती है वह एक जैविक क्रिया है तथा यह प्रक्रिया के रूप में पौधों में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के छिद्रों के माध्यम से होते हैं, उन्हें छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जो ये रंध्र होते हैं पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, और इन रंध्रों के द्वारा ही पत्तियों में वास्कोसर्जन की क्रिया होती है। अब बात आती है कि वास्कोसर्जन के कितने प्रकार होते हैं, तो वास्कोसर्जन के तीन प्रकार होते हैं, रंध्रीय वास्कोसर्जन, उपत्वचीय वास्कोसर्जन, वात रंध्रीय वास्कोसर्जन। तो पहले हम बात करते हैं रंध्रीय वास्कोसर्जन, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। रंध्रीय वास्कोसर्जन, जो रंध्रों के द्वारा वास्कोसर्जन की क्रिया होती है, वास्कोसर्जन की यह प्रक्रिया मुख्यतः पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा होती है। वास्कोसर्जन की जो क्रिया है मतलब जो जल है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल रहे हैं, तो पत्तियों द्वारा होती है, तो पत्तियों में किसके द्वारा होती है, रंध्रों द्वारा होती है। शाकीय पौधों में रंध्र कभी कभी कोमल तने पर भी पाए जाते हैं, वास्कोसर्जन रंध्रीय होते हैं, मतलब कि वास्कोसर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है, रंध्रों में। लेकिन जो शाकीय पादप होते हैं, शाकीय पादप कौन से होते हैं, जो छोटे उपादप होते हैं, जो प्लांट होते हैं उनको उनके आकार के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है, शाक, झाड़ी और शूप। शाकीय पौधे भी होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे कि तुलसी, ये इसका पौधा जो छोटे होते हैं, शाकीय पौधे जो छोटे होते हैं, शूप या झाड़ी जो हमारे बराबर आकार के होते हैं, और तीसरे वृक्ष जो कि हमसे भी बड़े होते हैं। तो शाकीय पौधों में जो ये क्रिया होती है ये रंध्रीय वास्कोसर्जन के द्वारा होती है। सेकंड है उपत्वचीय वास्कोसर्जन, उपत्वचीय वास्कोसर्जन जो उपत्वचा के द्वारा होता है, बाह्य त्वचा के ऊपर पाए जाने वाली अकोशिकीय परत को उपत्वचा कहते हैं। सामान्यतः क्यूटिकल जल के प्रति अपारगम्य होती है। जो मरुद्भिद पादप होते हैं उनमें सामान्यतः जो क्यूटिकल की परत है सभी पादपों में नहीं पाई जाती, कुछ में अब्सेंट होती है, कुछ में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो जीरोफाइट मरुद्भिद पादप होते हैं उनमें क्यूटिकल की परत पाई जाती है। तो क्यूटिकल की परत पाई जाती है तो ये जल के प्रति अपारगम्य होती है, मतलब कि जल को अपने अंदर से बाहर नहीं निकलने देती है। लेकिन कुछ स्थानों पर जहाँ ये टूटी होती है या पतली होती है वहाँ से जल की वाष्प के रूप में हानि होती है, इसलिए इसे क्यूटिकुलर वास्कोसर्जन कहते हैं। ठीक है, इसने ऐसे कहा है कि जो जीरोफाइट मरुद्भिद पादप होते हैं उनमें क्यूटिकल की परत पाई जाती है। क्यूटिकल की परत पाई जाती है तो ये परत कैसे होती है, जल के प्रति अपारगम्य होती है, लेकिन
कुछ स्थानों पर ये टूटी होती है या पतली होती है, जिससे कि जल इनसे बाहर निकल जाता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। थर्ड टाइप है आपके वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्रीय जो वातरंध्रों के द्वारा होती है, कुछ तने या फलों में वातरंध्र पाए जाते हैं और इनके द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। मोस्टली जो पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है यह 3 प्रकार से होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को पढ़ने से पहले हमें पत्ती की सामान्य संरचना के बारे में पढ़ना होगा। यदि आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आएगा। पत्ती की संरचना के बारे में आपने, पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में 11th क्लास में पढ़ा है। एक बार उसको थोड़ा ध्यान कीजिए और इस डायग्राम को देखिए। पत्ती की संरचना में आपने 2 टाइप पढ़े थे, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पत्ती की संरचना। लेकिन जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है ये एक सामान्य पत्ती की संरचना है, मतलब कि जो दोनों प्रकार की पत्तियों में पाई जाती है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो दोनों में पाई जाती है उसके बारे में है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो होती है अपर एपिडर्मिस, ऊपरी अधिचर्म। इस ऊपर अपर एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है क्यूटिकल की परत। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो क्यूटिकल के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है उसे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और जो स्टोमेटा के द्वारा होता है उसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए, सबसे ऊपर की ओर है अपर एपिडर्मिस, इसमें पाए जा रहे हैं स्टोमेटा। नीचे की ओर है लोअर एपिडर्मिस, इसमें भी पाए जा रहे हैं, इसमें भी पाए जाते हैं स्टोमेटा, मतलब जब दोनों ओर स्टोमेटा पाए जा रहे हैं। अब करते हैं इस बीच वाले हिस्से की बात। बीच वाले हिस्से में होते हैं मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल टिश्यू आपने पढ़ा था पत्ती की संरचना के बारे में, मीजोफिल टिश्यू पाए जाते हैं जिसमें कि जो डाइकोट, डाइकोट मतलब जो द्विबीजपत्री पत्ती होती है उसमें 2 प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं, पहले साइड पेरेन्काइमा और स्पंजी पेरेन्काइमा, मतलब खम उत्तक व स्पंजी उत्तक। और उसकी संरचना के बारे में पढ़ा था भाई, खम उत्तक की कैसी होती है और स्पंजी उत्तक की कैसी होती है। जो डाइकोट लीफ होती है उसमें 2 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, पहले साइड और स्पंजी पेरेन्काइमा। और फिर अपने बीच में पढ़ा था वेस्कुलर बंडल, मतलब संवहन ऊतक जिसमें जाइलम है फ्लोएम पाए जाते हैं। और जो मोनोकोट मतलब जो एक ही छत्री पत्ती होती है उसमें यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी संरचना पाई जाती है। ये आपने पढ़ लिया, क्यूटिकल हो गया, स्टोमेटा हो गया, अपर एपिडर्मिस हो गया, यूमीजोफिल टिश्यू हो गया, लोअर। अब जो स्टोमेटा है, जो रंध्र होते हैं, इसमें भी 2 प्रकार की 2 भाग होते हैं, मतलब कि एक बीजपत्री जो पत्ती होती है उसमें स्टोमेटा की संरचना होती है डंबल शेप, मतलब डंबल के आकार की। लेकिन जो डाइकोट द्विबीजपत्री पत्ती होती है उसमें जो इसकी संरचना, लीफ की संरचना, सॉरी स्टोमेटा की संरचना होती है वो बीन शेप से, इनके बीज के आकार की। तो ये आपने पढ़ लिया, अब इसको एक ढंग से समझ में आएगा। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन 3 टाइप पढ़ लिए। फर्स्ट है अधोरंध्रीपण। अधोरंध्रीपण में क्या होता है, जब पर्ण की केवल निचली सतह पर रंध्र उपस्थित हो, जब पर्ण की केवल निचली सतह पर रंध्र पाए जाते तो ऐसे पर्ण को अधोरंध्रीपण कहते हैं। ठीक है, अभी आपने, मैंने आपको संरचना बताई थी, इसमें दोनों सतह पर रंध्र थे, लेकिन इसमें अधोरंध्रीपण कौन से होते, केवल इस वाली संरचना पर स्टोमेटा उपस्थित हो, तो इस प्रकार की पत्ती को कहेंगे अधोरंध्रीपण। सेकेंड है उभयरंध्रीपण। उभयरंध्री मतलब जब दोनों सतह पर, लोअर एपिडर्मिस पर भी और अपर एपिडर्मिस पर भी रंध्र पाए जाते हैं, तो इस प्रकार की पर्ण को कहेंगे उभयरंध्रीपण, जैसे कि जई मक्का। थर्ड है अधिरंध्रीपण। अधि मतलब ऊपरी सतह पर, जब पर्ण की केवल ऊपरी सतह पर रंध्र उपस्थित हो तो उसे अधिरंध्री या कुमुदनी पर्ण भी कहते हैं, जैसे कि वाटर लिली व अन्य उत्प्लावी जलोद्भिद पादप। उत्प्लावी मतलब जल के ऊपर तैरते रहते हैं। तो जो रंध्री वाष्पोत्सर्जन है उसके 3 प्रकार हो गए, अधोरंध्री जो केवल नीचे, अधो मतलब नीचे की तरफ केवल निचली सतह पर, उभयरंध्री जो दोनों सतह पर पाए जाए, अधिरंध्री जो केवल ऊपरी सतह पर पाए जाए। ये हो गए रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। अब थोड़ी छोटी छोटी डेफिनेशन है उनको भी आप देख लेते हैं। बिंदु स्त्राव, बिंदु स्त्राव किसे कहते हैं, इस क्रिया की खोज डी बैरी ने 1869 में की थी। पादप के अक्षतिग्रस्त भाग या पर्ण के किनारों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्त्रावित होना, मतलब पादप को कोई बात क्षतिग्रस्त नहीं है, केवल पत्ती के किनारों से जल का छोटी छोटी बूंदों के बिंदु छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलना बिंदु स्त्राव कहलाता है। फिर है जल रंध्र।
बिंदु स्त्राव की क्रिया पत्तियों की किनारों पर शीरिकाओं के स्थान पर पाए जाने वाले विशिष्ट रंध्रों की सहायता से होती है, इन्हें जलरंध्र कहते हैं। जलरंध्र के शीर्ष पर पाए जाने वाले छिद्र को जल छिद्र कहते हैं। थर्ड है रस स्त्राव, पादप के क्षतिग्रस्त भाग द्वारा जल का रस के रूप में बाहर निकलना रस स्त्रावण कहलाते हैं। बिंदु स्त्राव में अक्षतिग्रस्त भाग से जल बाहर निकल रहा है और रस स्त्राव में क्षतिग्रस्त भाग से जल का बूंदों के रूप में बाहर निकलना रस स्त्राव कहते हैं।